नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार में इन दिनों जोड़ तोड़ और छोड़ वाली राजनीति हो रही है। इसी बीच आखिरकार मांझी ने नीतीश कुमार का दामन थाम ही लिया और एनडीए में शामिल हो गए, नीतीश कुमार की छांव में चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं मांझी की एंट्री के बाद एनडीए के अन्य घटक दल यानी कि बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है और इसके साथ सात बागी उम्मीदवार लालू के लालटेन को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने भी अब एनडीए में रार मचानी शुरू कर दी है और उनके कारण भी एनडीए में घमासान छिड़ गया है। अब मामला जाकर सीट शेयरिंग पर फंस रहा है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से ये बागी नेता आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए, तब अब जाकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और उसके साथ जेडीयू की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सीट शेयरिंग का जो मसला है वो हल करना बेहद ही कठिन होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख मांझी ने खुद को सेफ करते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई को मान लिया, लेकिन मांझी के जेडीयू के सहारे में एनडीए में शामिल होने के बाद अब बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। मांझी ही नहीं, राजद के बागियों को भी जदयू ने गले लगाया। सात राजद के बागी भी सीटों की दावेदारी से पीछे नहीं हटने वाले। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एनडीए में मांझी और बागी सीट शेयरिंग की सपाट पीच को खुरदुरा कर सकते हैं। महागठबंधन से रूठने के बाद मांझी ने एनडीए का तो दामन थाम लिया, लेकिन अब हम सेक्युलर की दावेदारी वाली सीट से एनडीए में शामिल मुख्य पार्टी बीजेपी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही। मांझी जदयू के पार्टनर के तौर पर एनडीए का झंडा बुलंद करने का दावा कर चुके हैं। हालांकि सीटों पर मांझी ये कह चुके हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हम 7 से 8 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी भी ठोक रही है। अंदर खाने से खबर के मुताबिक टेकारी, बाराचट्टी, कस्बा, आरा, केसरिया, बोध गया, मखदुमपुर और नवादा सीट पर हम की दावेदारी। नवादा सीट से हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना पिछली बार दावेदारी ठोक चुके हैं और अच्छी बढ़त भी उन्हें मिली थी। वहीं राजद के साथ बागी विधायक भी चुनावी मैदान में उतरने को बेकरार है। राजनीतिक जानकार के मुताबिक हम की 7 सीटों की डिमांड और राजद से जदयू में आए 7 विधायक, मतलब की कुल 14 सीटों में से कम 10 सीटों पर बीजेपी और लोजपा से अनबन की नौबत आ सकती है। हम के दावों वाली सीटों पर राजद और कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन जिन 7 सीटों पर हम पार्टी दावा कर रही है उन सीटों पर बीजेपी और लोजपा दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि मांझी की एंट्री से सीटों को लेकर अनबन के पूरे आसार हैं। अब देखना ये भी होगा कि जदयू कैसे सीटों को बैलेंस करती है और एनडीए में बागियों को शांत करवा पाती। लालू की लालटेन छोड़कर 7 नेताओं का जेडीयू में शामिल हो जाना और एक बार फिर से जीतन राम मांझी के घर वापसी होना, एक तरफ जहां बीजेपी में बेचैनी बढ़ा रही है तो वहीं जेडीयू के टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि अब जेडीयू को ही ये पूरा मामला सॉल्व करना पड़ेगा और जेडीयू ही ये सीट शेयरिंग का जो पेच है उसको सुलझा सकती। ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू के पास ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वो सीट शेयरिंग का मामला एनडीए में सुलझाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।